रायपुर में समर्थन मूल्य पर गारंटी कानून की मांग को लेकर किसान आंदोलन कर रहे हैं। वहीं किसान संगठन की ओर से भारत बंद का आह्वान किया गया है। वहीं किसानों का कांग्रेस समर्थन कर रही है। इस मुद्दे को लेकर स्वराज एक्सप्रेस संवाददाता दिलीप साहू ने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष धनेन्द्र साहू से खास बातचीत की। न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी की मांग को लेकर देश भर के किसान आंदोलनरत है और इस दौरान पूरे देश भर में किसानों ने भारत बंद का आह्वान भी किया है और इसको लेकर कांग्रेस पार्टी ने समर्थन भी दिया है। हमारे साथ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष वरिष्ठ नेता धनेन्द्र साहू जी है। आपने छत्तीसगढ़ में भी किसानों की जो बंद है, भारत बंद है, उसका समर्थन किया, लेकिन इसका असर जमीनी स्तर पर दिखाई नहीं दे रही है, इसकी क्या वजह मान? देखिए, ये जो भारत बंद का आह्वान है, हमारे देश के सभी किसान संगठनों ने संयुक्त रूप से इसको आह्वान किया है और उसे हमारी कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश स्तर पर उसको समर्थन देने की भी हमारी कांग्रेस ने घोषणा किया है, पूरे समर्थन कर रही है। और ये चूंकि हमारा सैद्धांतिक और नैतिक समर्थन है, पूरी तरह से हम लोग किसानों के साथ में हैं, किसान के संगठनों के साथ में हैं, लेकिन चूंकि ये उनके द्वारा आयोजित कार्यक्रम है, ये आयोजन उनके द्वारा है और हम लोग सिर्फ हर ब्लॉक स्तर पर किसानों को हमारे पार्टी संगठनों को निर्देशित किया है कि आप लोग इसमें उनका सपोर्ट करें, मदद करें, समर्थन देवें। किसानों की मांगों को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि वो जिस तरह से मांग कर रहे हैं, दिल्ली कुछ कर रहे हैं, इस पर भी लोग सवाल उठा रहे हैं, खास करके बीजेपी या केंद्र सरकार से जुड़े हुए लोग। देखिए, केंद्र सरकार तो हमेशा भारतीय जनता पार्टी की ये नीति ही रही है, किसान विरोधी नीति रही है, कभी किसानों के हित में बड़े फैसले उन्होंने नहीं करी है। आज 2 साल पहले भी आज जो आंदोलन हुआ उसको कुचलने की कोशिश किए, अभी इस आंदोलन को कुचलने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर जब उन्होंने अपनी घोषणा पत्र में कहा है, उसी की हम लोग मांग कर रहे हैं, उन्होंने घोषणा पत्र में कहा है कि हम स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट हम जो है लागू करेंगे, जिसमें ये MSP की बातें हैं। उसी तरह से उन्होंने अपने से और घोषणा करी कि 2023 तक हम किसानों की आमदनी दोगुनी करेंगे। आमदनी तो दोगुनी नहीं हुआ, खर्च जो है किसानी की लागत जो है 3 गुना 4 गुना जरूर बढ़ गया है। पेट्रोल बढ़ गया, डीजल बढ़ गए, सारे कृषि उपकरणों की कीमत बढ़ गए, मजदूरी बढ़ गई, हर चीज बढ़ गए हैं, तो खर्चा जरूर बढ़ गया कई गुना अधिक, लेकिन आमदनी नहीं बढ़ाई। और इसके लिए आज जो है पूरी तरह से सारे किसान लोग, सारे किसान संगठन पूरे देश में आंदोलित है। कांग्रेस की ओर से भी एक वादा किया गया है, खास करके राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने, कि इनकी आपकी सरकार आएंगे तो केंद्र में तब मिनिमम सपोर्ट प्राइस है या इसकी जो गारंटी है वो लागू करेंगे। किस तरह से आप लोग लागू करेंगे, इस वादा करने के पीछे क्या लोकसभा चुनाव का नजरिया है या फिर किसानों के प्रति आप लोगों की एक सोच? देखिए, MSP लागू करने की बातें अभी हमारे छत्तीसगढ़ आगमन पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने बहुत स्पष्ट तौर पर कहा है, हमारी सरकार बनेगी तो उसके बाद हम लोग MSP को कानून की गारंटी बनाकर, कानून बना करके उसको हम लोग देंगे। ये जो है हम लोगों ने वचन दिया है, गारंटी दिया है और उसको हमारी सरकार बनती है निश्चित तौर पर लागू करेंगे। तो ये थे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष धनेन्द्र साहू जी। इनका साफ तौर पर कहना है कि वर्तमान जो मोदी सरकार है वो कहीं ना कहीं वादा खिलाफी कर रही है, किसानों के हितों के साथ कुठाराघात कर रही है, इसलिए लोग आंदोलनरत है और इनकी जब सरकार आएगी तो केंद्र में निश्चित तौर पर MSP गारंटी लागू की जाएगी। कैमरा पर्सन भूपेंद्र के साथ स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू।